इस वीडियो में पढ़ेंगे हम विद द फोटोग्राफर की समरी या क्वेश्चन आंसर। स्टीफन लीकोक ने लिखा है इसको, सिर्फ यही समरी रहती है आई थिंक, और तो सारा सिलेबस हो चुका है आपका। कुछ और रहता है तो आप कमेंट करके बता देना, मुझे याद नहीं रहता। और कुछ बच्चों ने अभी अभी कमेंट्स में पूछा है कि मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे निशान लगवा दीजिए। तो इम्पोर्टेंट, अगर मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो, तो उसमें लास्ट 3 ईयर्स के, अगर 2 ईयर्स के अवेलेबल है तो 2 के, 3 ईयर्स के कर पाते हो तो 3 ईयर्स के, वो दोनों क्वेश्चन पेपर एक बार अपनी नज़रों में से निकाल लो। और एक क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो, दिमाग बिल्कुल अच्छे से सेट हो पेपर देने के लिए, तो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले वाले दिन या 2 दिन पहले जितनी भी छुट्टियां हैं आपकी, अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पेपर हमें सोल्व करके और जितना टाइम हमें एग्ज़ाम में दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बैठ करके एक जगह पे वो पेपर हमें सोल्व करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब तुम पेपर देने जाओगे तो उसमें आपका जो दिमाग है उसके लिए कुछ भी चीज़ नई नहीं होगी, क्योंकि उस तरह का एक पेपर आप पहले सोल्व कर चुके। ऊपर से दूसरी बात ये होती है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अब जो टाइम है वो 2 घंटे और सिर्फ 15 मिनट्स दिया जाता है, पहले 3 आवर्स था। क्या पता किसी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस कम कर दिया हो, चॉइस ज़्यादा दे दी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया करो। कई बार 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उनमें से केवल हमें 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। बच्चे ध्यान नहीं देते, चारों के चारों कराते हैं कई बार, तो ऐसी गलतियाँ ना करें बच्चों, पूरे ध्यान से पेपर देना है। देखो कितना टाइम था तुम्हारे पास सिर्फ तैयारी करने के लिए, और ध्यान से हर काम हमें ध्यान से करना चाहिए। जिस भी काम में लगे हुए हैं उस पर मेहनत करना सीखो, मेहनत बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल धैर्य के साथ कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे लाइफ का कुछ और काम हो, पूरा दिमाग लगा के, ध्यान लगा के, धैर्य के साथ हमें अपने सारे काम करने चाहिए। तो ये विद द फोटोग्राफर की समरी पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उन 2-3 सालों में मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, और ऐसे काम मत किया करो कि 2-3 दिन में पढ़ के और बस अच्छे से नंबर आ जाएं। इतना जल्दी भी क्या है, अच्छी सारी वीडियोस बना रखी, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनवा रखे हैं आपके, अब किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। टाइम एक विद्यार्थी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पढ़ना होता है, उसको पहले नंबर पे अपनी पढ़ाई रखनी चाहिए और बाकी सारे काम सेकंड नंबर पे। आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पहले नंबर पे ही है आपके लिए, टाइम जो है सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए होना चाहिए। तो खूब सारा पढ़ो, खूब सारी मेहनत करो और अच्छे से अपने पेपर दो। शुरू करते हैं ये विद अ फोटोग्राफर इज़ ए ह्यूमर स्टोरी। ह्यूमर्स होती है जिसमें हंसी आए, रिटन बाय स्टीफन लीकोक। एक हंसी से भरी हुई कहानी है जो स्टीफन लीकोक ने लिखी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचि पैदा करने वाली है। आप सभी इसको पहले पढ़ चुके हैं। ये रुचिकर क्यों है, इसमें हंसी किस किस बात पे है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसमें चैप्टर में पक्का। द राइटर वेंट टू ए फोटोग्राफर, राइटर जाता है फोटोग्राफर के पास, टू हैव हिज फोटो टेकन, फोटो खिंचवाने के लिए। बट द फोटोग्राफर मेड ए नंबर ऑफ हार्श कमेंट्स अबाउट द राइटर्स फेस। लेकिन जो फोटोग्राफर है वो बहुत ही कठोर शब्द कह देता है, कठोर टिप्पणियां कर देता है राइटर के फेस के बारे में, चेहरे के बारे में। याद आ रहा होगा आपको क्या क्या बातें कही थी। ही सैड दैट हिज फेस वॉज रॉन्ग, फोटोग्राफर कहता है कि उसका चेहरा जो है वो ठीक नहीं है। द ईयर्स वर बैड, हालांकि जो कान है वो भी बैड हैं। द राइटर गोट एंग्री विद द फोटोग्राफर, जो राइटर है वो गुस्सा हो जाता है फोटोग्राफर से। एंड सैड ही लाइक्ड हिज ओन फेस वेरी मच एंड लव्ड इट, और वो फोटोग्राफर को कह देता कि उसे अपना खुद का, ओन का मतलब होता है खुद का जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड लव्ड इट, और वो उसे बहुत प्यार करता है। एट लास्ट, लास्ट में द फोटोग्राफ वॉज टेकन, इसी तरह की ऐसा बैसे में जो फोटोग्राफ है वो उस खींच लिया जाता है। द राइटर वेंट ऑन सैटरडे, राइटर जाता है सैटरडे को टू सी द प्रूफ, वो फोटोग्राफ कैसा आया, यानी वो फोटोग्राफ लेने के लिए ही जाता है कि कैसा खींचा कैसा नहीं। आपको ध्यान हो, पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ा हो तो जितने भी डेज़ के नाम होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जब भी फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ध्यान रहे, थोड़ा सा बड़े स्टूडेंट हो गए हो आप, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करते। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज फेस, अब जब राइटर फोटोग्राफ लेने के लिए गया तो वो शॉक्ड हो गया टू सी हिज फेस, अपना चेहरा देख के। एंड आस्ट, और पूछता, इज इट मी, क्या ये मैं हूँ। ये लाइन लिखना मत भूलना, ये इन्वर्टेड कॉमाज में इसलिए बंद की क्योंकि ये टेक्स्ट के एज इट इज़ लाइन्स हैं। ही कुड नॉट रिकोगनाइज हिज फेस, रिकोगनाइज मीन्स होता है पहचानना। एज द फोटोग्राफर हैड
changed it completely. वो अपना चेहरा नहीं पहचान पाया as क्योंकि the photographer had changed it completely. Completely का मतलब होता है पूरी तरह से, change means होता है बदल देना. Photographer ने उसके चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया था. The writer said that. राइटर ने कहा the photograph was no use of him. कि जो फोटोग्राफ है वो उसके अब बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है. as he wanted his natural photograph. क्योंकि वो चाहता था एक बिल्कुल प्राकृतिक जैसा उसका फेस है वैसा फोटोग्राफ हो. इन द लास्ट, और लास्ट में ही लेफ्ट द स्टूडियो विदाउट टेकिंग, वो छोड़ देता है स्टूडियो को बिना फोटोग्राफ लिए. तो मेरी तरफ से आपका सिलेबस हुआ कंप्लीट. एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट.